नमस्कार, बीए प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को आज की इस कक्षा में अपक्षय के बारे में चर्चा की जाएगी। अपक्षय क्या होता है, अनाच्छादन की प्रक्रिया क्या होती है, अपक्षय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और अपक्षय की क्रिया में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं आदि के बारे में हम आज की इस कक्षा में विस्तृत चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपक्षय के अंतर्गत चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटने फूटने की क्रिया तथा उससे उस स्थान विशेष या स्थान विशेष के अनावरण की प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है। इसमें चट्टान चूर्ण के परिवहन की प्रक्रिया को सम्मिलित नहीं किया जाता, यानी अपक्षय जो होता है उसमें चट्टाने क्या होती है, अपने ही स्थान पर किसी भौतिक या यांत्रिक या अपन रासायनिक विधियों के द्वारा उसी स्थान पर टूटती फूटती है और टूटने के बाद जो पदार्थ होता है वो परिवहन होता है, उसको इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। यानी जो भौतिक जो क्रियाएं होती है उससे चट्टानों में विघटन होता है और जो रासायनिक क्रिया होती है उसे चट्टानों में वियोजन का मतलब घुलने की प्रक्रिया होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपक्षय का सामान्य अर्थ ये होता है कि चट्टानें अपने ही स्थान पर भौतिक या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा टूटती फूटती है, उसे अपक्षय कहते हैं। अब अपरदन की प्रक्रिया होती है जिसे हम इरोजन कहते हैं इंग्लिश में। अब अपरदन की प्रक्रिया में या क्रिया में जो टूटे हुए जो चट्टानी टुकड़े होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन होता है या एक स्थान पर दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। अब ये परिवहन या गमन नदी के द्वारा हो सकता है, हिमनदी के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, भूमिगत जल के द्वारा भी हो सकता है, सागरीय लहरों के द्वारा भी हो सकता है। जब ये चट्टानी टुकड़े जल के साथ या हिम नदियों के साथ या वायु के साथ परिवहन होते हैं या गमन करते हैं तो ये आपस में ही एक दूसरे से रगड़ रगड़ कर या आपस में टकरा कर छोटे छोटे हो जाते हैं। ये सभी जो क्रिया होती है वो अपरदन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अब आता है अनाच्छादन। अनाच्छादन में अपक्षय व अपरदन दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। अपक्षय क्या होती है, एक स्थिति क्रिया होती है। पहले भी मैंने आपको परिभाषा में बताया कि चट्टाने अपने ही स्थान पर क्या होती है, भौतिक या जो रासायनिक क्रियाएं होती है उनके द्वारा टूटती फूटती। स्थिति का मतलब उसी स्थान पर, स्थान विशेष पर टूटती फूटती है। जबकि अपरदन एक गतिशील प्रक्रिया है, यानी जो टूटे हुए पदार्थ होते हैं वो जल के द्वारा, हिम नदियों के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, वायु के द्वारा या हवा के द्वारा, सागरीय लहरों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील रहते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर परिवहन होते हैं, इसलिए अपरदन को एक गतिशील क्रिया कहते हैं। अतः अनाच्छादन में स्थितिक व गतिशील दोनों ही क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है या दोनों क्रियाओं का जो योग होता है वो अनाच्छादन कहलाता है। अब हम बात करते हैं इस प्रकार अपक्षय में चट्टानों के टूटने फूटने की क्रिया होती है जिसके अंदर चट्टानों का वियोजन व विघटन होता है। विघटन भौतिक या यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा होता है। वियोजन यानी रासायनिक जो क्रिया होती है, जैसे नमक की जो चट्टानें होती जल में घुल जाती है या चूना पत्थर होता है जल में घुल जाता है, तो जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा चट्टानों का वियोजन होता है। सामान्य रूप से हम अपक्षय को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्राकृतिक कारणों के द्वारा चट्टानों का अपने ही स्थान पर यांत्रिक विधि के द्वारा टूटना यानी कि विघटन होना, यांत्रिक यानी भौतिक विधि भी होती है, अथवा रासायनिक विधि के द्वारा वियोजन की क्रिया को अपक्षय कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं अपक्षय को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन से हैं
यानी कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो अपरदन की अपक्षय की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। तो पहला जो कारक होता है चट्टान का संगठन व संरचना, यानी अपक्षय का जो प्रमुख रूप होता है वो होता है कि चट्टानों का विघटन व वियोजन होता है। अब चट्टानों में वियोजन व विघटन कब होगा, जब चट्टानें कमजोर होगी या असंगठित होगी तब उनमें ये क्रियाएं आसानी से घटित हो जाती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ले कि कोई ऐसी चट्टान है जो घुलनशील खनिज तत्वों के द्वारा निर्मित है या रंध्रपूर्ण या उसमें जगह जगह पर होल है या रंध्र है, तो उनमें रासायनिक जो क्रिया जल्दी होती है वो चट्टानें वियोजित हो जाती है। इसी प्रकार जहाँ पर जो चट्टानें क्या होती है कमज़ोर होती है वहाँ पर भी अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा होता है। जिन चट्टानों में परतों की स्थिति लंबवत अर्थात वर्टिकल रूप से ऊर्ध्वाकार रूप से होती है उनमें तापीय भिन्नता है, यानी तापमान में जो अंतर दिन रात का ज़्यादा रहता है या तुषार पाला जल हवा का जो प्रवाह होता है वो शीघ्र हो जाता है और चट्टाने के कण है वो ढीली पड़ जाती है और लंबवत स्तर के कारण चट्टानों में टूटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और गुरुत्व बल के द्वारा वो चट्टानों का नीचे की ओर खिसका होता रहता है। इसी तरह से यदि चट्टानों में अगर उनकी जो लहरें है या स्तर है जो हॉरिजेंटल रूप से या क्षैतिज रूप से मिलते हैं तो उनमें जो संगठन काफ़ी मजबूत होता है और इस प्रकार की चट्टानों में वियोजन व विघटन आसानी से नहीं हो पाता। इसी तरह से चट्टानों की संधियां होती है उनमें यांत्रिक अपक्षय का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी जो चट्टानें होती है जॉइंट वाली जो चट्टानें होती है उसमें क्या होता है भौतिक अपक्षय ज़्यादा होता है, क्योंकि शीत जैसी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं तो वहाँ तुषार के कारण है नहीं, दिन में तापमान अधिक होता है रात्रि में तापमान कम होने के कारण जो चट्टानों की संधियों में जल भरा रहता है वो जमने के कारण चट्टानों में विस्तार व संकुचन होता रहता है और चट्टानें विघटित हो जाती है। तो ये जो कारण होता है, इसी तरह से उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान के दिन रात का जो तापमान होता है उसमें अंतर ज़्यादा होने के कारण चट्टानों के जो कण है फैलते हैं सिकुड़ते हैं, इससे भी चट्टानों में विघटन होता है और चट्टानें अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं। तो दूसरा जो प्रमुख कारण आता है स्थल के ढाल का स्वभाव, यानी कि स्थल का जो ढाल है यानी भूमि का ढाल किस रूप से है वो भी आपके अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करता है। मुख्य रूप से यांत्रिक जो अपक्षय होता है वो ढाल से ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि जब चट्टानें टूटती फूटती है तो चट्टानों के जो खिसकने की जो दर होती है वो ढाल पर निर्भर करती है, इसलिए जो ढाल होता है वो भी अपक्षय को नियंत्रित करता है। यदि जैसे उदाहरण के रूप में देखिए किसी स्थान में चट्टानी जो भाग है वो खड़ा ढाल वाला है तो वहाँ पर जो यांत्रिक अपक्षय के कारण जो चट्टानों विघटन होगा तो चट्टानें शीघ्र ही टूटती हुई नीचे की ओर खिसकने लगेगी। इसी तरह से यदि ढाल अगर सामान्य है तो अपक्षय की जो क्रिया है तेज गति से नहीं हो पाती है या धीमी गति से होती है और चट्टानी जो टूट फूट होती है उनका स्थानांतरण भी बहुत ही धीमी गति से होता है या नहीं के बराबर हो पाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ढाल तेज है तो अपक्षय भी की गति तेज होगी और ढाल कम है तो सामान्य रूप से अपक्षय की गति भी कम होगी। इसी तरह से हम देखते हैं कि जलवायु की जो विभिन्नता है वो भी अपक्षय की क्रिया को प्रभावित करती है, यानी कि जैसे हम अगर तापीय कटिबंधों के आधार पर जलवायु क्षेत्रों को बांटे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है या शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, तो इनमें भी इन जलवायु के कारण भी अपक्षय प्रभावित होता है। यदि उदाहरण के रूप में हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जल की अधिकता के कारण क्या होता है रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, क्योंकि इन स्थानों में आर्द्रता तथा ताप की अधिकता के कारण सभी प्रकार के जो लवण होते हैं वो अपचालक यानी लीचिंग का कार्य करते हैं। लीचिंग का मतलब होता है वो घुलकर बहने की क्रिया हो जाती है, यानी जो चट्टानी जो चट्टानों के जो रासायनिक स्वरूप होता है या उनमें जिन तत्वों की मात्रा होती है वो घुलनशील होता है और वो जल्दी से जल में घुल जाते हैं। तो इस तरह से उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र क्षेत्र है यानी अपन कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा की जो क्षेत्र है वहाँ पर रासायनिक अपरदन की क्रिया ज़्यादा होती है।
इसी तरह से यदि हम बात करें अगर उष्ण व शुष्क मरुस्थली जलवायु वाले क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर जो यांत्रिक अपक्षय होता है वह अधिक होता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में दिन व रात के जो तापमान है वहाँ पर अंतर ज़्यादा रहता है। दिन के समय तापमान अधिक होने के कारण जो चट्टानी कण है वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और उन चट्टानों के कणों में फैलाव की प्रक्रिया होती है, और रात्रि के समय तापमान कम होने से चट्टानी कण है वो ठंडे हो जाते हैं और उनमें संकुचन की क्रिया होती है। इस तरह से चट्टान है जब वो ढीली पड़ जाती है और चट्टानों का विघटन भी आसानी से हो जाता है। इसी तरह से हम बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेशों में तो वहाँ पर रासायनिक अपक्षय की तुलना में यांत्रिक जो अपक्षय है वो अधिक होता है, क्योंकि चट्टानों की दरारों व संधियों में जो जल भरा रहता है वो रात्रि के समय जमकर ठोस हो जाता है और दिन में पुनः पिघल जाता है। तो इस तरह से जो चट्टानी कण होते हैं, जो चट्टानें होती है, इस तरह की पुनरावृत्ति से चट्टानों के कण ढीले पड़ जाते हैं तथा विघटन प्रारंभ हो जाता है। इस तरह से हम बात करें आगे शीत जलवायु वाले प्रदेशों की, वहाँ सभी प्रकार का जो अपक्षय होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि जो धरातल होता है वो पूर्ण रूप से बर्फ से ढका रहता है और वहाँ पर यांत्रिक व रासायनिक सभी प्रकार की जो गतिविधियाँ है वो बहुत ही न्यून मात्रा में हो जाती है, अर्थात वो निष्क्रिय हो जाती है। इस कारण से वहाँ पर अपक्षय की क्रिया नहीं के बराबर होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि उष्ण व आर्द्र जलवायु में या उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में या शीतोष्ण कटिबंधीय व शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में किस तरह से अपक्षय होता है। अब हम बात करते हैं वनस्पति, तो वनस्पति भी जो अपक्षय जो की क्रिया होती है उसको प्रभावित करने का एक प्रमुख कारण होती है। तो किसी स्थान विशेष में जो वनस्पतियाँ होती है उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी वनस्पति ज़्यादा है या वनस्पति कम है, उसका प्रभाव अपक्षय पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, क्योंकि वनस्पतियाँ क्या होती है, अपनी जड़ों के द्वारा चट्टानों को आपस में संगठित रखती या जकड़े रखती है, जिससे चट्टानों का जो संगठन है वो अधिक मजबूत हो जाता है, उनमें अपक्षय की क्रिया नहीं हो पाती है। दूसरी तरह ये भी देखा जाता है कि वनस्पतियाँ जो होती है उनकी जड़ों में कई तरह के जीव जंतु या कीड़े मकोड़े होते हैं, वो धीरे धीरे वो चट्टानी भागों में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ की जो जॉइंट होते हैं या जो संधियाँ होती है उनके उनको कमज़ोर करते रहते हैं और अपक्षय की क्रिया वहाँ पर बढ़ भी सकती है। इस तरह से वनस्पति का जो प्रभाव है दोनों रूपों में हम देख सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने देखा कि अपक्षय की क्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और आगे हम पढ़ रहे हैं कि अपक्षय की क्रिया में भाग लेने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो अपक्षय की क्रिया मुख्य रूप से तीन जो कारक होते हैं वो भाग लेते हैं, एक तो भौतिक या यांत्रिक कारक होते हैं जिसमें जल है, सूर्य ताप है, तुषार है, वायु है तथा वायुदाब है। इसी तरह से रासायनिक कारक होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है व प्राणी वर्गीय में वनस्पतियाँ है, जीव जंतु और मानव हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की कक्षा में अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है, अनाच्छादन क्या होता है और किस तरह की ये क्रियाएं होती है, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और अपक्षय क्रिया में कौन कौन से कारक भाग लेते हैं आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।